ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। कितने टाइम पहले? अमित बाबा इधर देखो ना, अमित बाबा इधर देखो, अमित बाबा मेरी तरफ देखो। एक सेकंड, हो गया, लियो लियो लियो। शुभम भी पीछे हो जाओ यार, कोई भरत पीछे। दरगाह थाना पे एक इतला मिली थी, फॉरेस्ट गार्ड ने इतला दी कि साहब मुझे कोई बकरी चरा ले, उन्होंने इतला दी कि यहाँ पर ये कोई गड्ढा खुदा हुआ, पत्थर पड़े हैं ऊपर, उसके अंदर कोई हड्डियाँ सी दिख रही है मानव शरीर की, जिसके ऊपर थाना अधिकारी दरगाह अपने जाब्ते के साथ और फॉरेस्ट वाले कर्मियों के साथ में मौके पर गए। मौके पर जाकर वहाँ एक रूटी रानी का महल है, उसके ऊपर जंगल के अंदर थोड़ा सा दूर चलने पर एक गड्ढा खुदा हुआ था, पत्थर पड़े थे, कंगाल सल फॉरेस्ट गार्ड और कर्मियों के साथ में उसको गड्ढे को खुदवाया गया, देखा गया तो बहुत पुराना एक कंकाल, मानव शरीर का कंकाल था। मालूम करने पर पता पड़ा कि वो यहाँ पर रूटी रानी में पिछले कोई 10-15 साल से विश्वास बाबा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पिछले 8-9 महीने से नहीं रह रहे हैं। तो उस पर शक गया कि भाई इसकी डेड बॉडी है, वो उसकी हो सकती है। तो उसको डेड बॉडी को लेके हॉस्पिटल में ला के पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर आसपास से ये मालूम कराया गया भाई ये इस बाबे के साथ में पहले कौन रहता था, लास्ट सीन कौन था। इसके आधार पे ये ज्ञात हुआ कि एक हमीद खां और खूं बाबा, जो ये दोनों जो फ़कीर थे, दोनों साथ ही रहते थे रूटी रानी महल में, और पिछले 3-4 साल से ये दोनों अलग अलग रहने लगे। जो दर्शनार्थी बाबा के जो विश्वास पात्र थे वो वहाँ जाते थे, उनसे मालूम में पता पड़ा कि ये पहले तो आपस में साथ रहते थे और पिछले 8-10 महीने से इन दोनों में कुछ बात को लेके अनबन हो गई। हमीद खां जो बाबा है, जो सस्पेक्ट था, उसको कोई बीमारी रहने लगी तो उसको ये शक हुआ कि मेरे कहीं इसने कोई मुँह टूट फेंक दी। इस बात को लेकर इन दोनों में अनबन बनी और इसी बात को लेकर जब हमीद खां बाबा को ढूंढ के लाए और उसे तफ्तीश की गई तो इस बात से हमीद खां ने तस्दीक करी कि हाँ, ये हमारे में अनबन हो गई थी और हमारे को इस बात को लेकर मैंने विश्वास बाबा को मेरी जो मूड थी उसको उतारने के लिए कहा, उसने इस बात को मना किया, फिर हम दोनों को झगड़ा हो गया और उस झगड़े के अंदर मैंने उसको गुतम गुता हुआ जो नीचे गिर गया और उसका मैंने फिर गला दबा के मार दिया और जो जगह जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी उस पर ले जा कर गाड़ दिया और ऊपर पत्थर रख दिया और फिर वहाँ से मैं जा दूसरी जगह चला गया। ये बात सर, और भी कोई मामले हैं हमीद पर, इससे पहले भी कोई और कोई घटना इसने की हो? अभी तक ऐसे रिकॉर्ड में कोई बात नहीं आई, फिर भी अभी अनुसंधान जारी है, कोई और तथ्य आएंगे तो वो भी पत्रावली में शामिल किए जाएंगे और उसके खिलाफ़ जो भी पढ़े जाएंगे वो लिखेंगे। अकेले था सर? अभी तक तफ्तीश में अकेला ही आना है। कितने समय पहले इसने उसका पोस्टमार्टम के हिसाब से और डेड बॉडी के हिसाब से लगता है 6-7 महीने पहले पुरानी। हमीद का क्या कहना है, उसको सेम टेली हो रही उसी हिसाब से? सर, और भी कई गोलियां वहां मिलती रही हैं पहले भी, जो अज्ञात कह के उसको खत्म कर दिया गया, उन गोलियों से भी कोई उसका ताल्लुक है? डेड बॉडी ऐसी तो कोई पुरानी वहाँ मिली नहीं, जो भी अगर एक पहले मिला वो भी खुल गई सही, उसमें भी अरेस्ट कर लिए थे हमने, इसके संबंध में कोई उसका कोई लिंक नहीं है। हमीद रहने वाला कहाँ का है, इसका कोई पुराना रिकॉर्ड क्या है? हमीद का रिकॉर्ड अभी तो तुझसे नहीं आया, परंतु ऐसा ज्ञात हुआ कि ये कोई कर्नाटका साइड का है, उसकी तफ्तीश में उसका जो रहवास का जो रिकॉर्ड है उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं हम, जो भी पुख्ता जो रिकॉर्ड आएगा उसके आधार पर। ये बाबा का जो डेथ
विश्वास बाबा, मृतक जो है विश्वास बाबा, इसके बारे में भी अभी तक पता नहीं है, परंतु लोग जो उससे मिलते थे उनको ये बताता था कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। रही तो उसके जो डॉक्यूमेंटल को जो कोई प्रूफ हैं डोमिसाइल के, वो प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, अगर मिलेंगे तो उसके आधार पर तस्दीक होगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ का था।